उत्तर प्रदेश में नगरीय विकास किए जाने के संबंध में नगर विकास ने बड़ी शुरुआत की है, जिसके तहत सीम अर्बन फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश के 100 इंस्पिरेशनल नगर पंचायत में विकास को बड़े स्तर पर बढ़ाने व उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने जाने का काम करेंगे। इसी को लेकर हिंदी खबर ने यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री AK शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विकास काम कर रही है, इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए नगर विकास मंत्री जी मौजूद हैं। सर, बड़े स्तर पर जो आकांक्षी योजनाएं हैं जो लगातार चलाई जा रही हैं इंस्पिरेशनल सिटीज में, अब सीएम अर्बन फॉलोअर्स को आप भेज रहे हैं पंचायतों में, क्या इसका पूरा प्रारूप होगा, किस तरीके से ये काम करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में जो पिछड़े हुए जिले थे और जो पिछड़े हुए ब्लॉक्स थे उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की संज्ञा दिया था और उसी के तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने एस्पिरेशनल टाउन्स या अर्बन लोकल बॉडीज को चिन्हित किया है। वो लोकल बॉडीज जो 20,000 से 1,00,000 की जनसंख्या वाली हैं और जिनमें काफी पिछड़ापन है, जो सामान्य रूप से सामान्य से पिछड़े हुई है, ऐसे 100 नगर निकायों को चिन्हित करके हमें ये भी लगा कि सिर्फ चिन्हित करने से या सिर्फ पैसा दे देने से उनका विकास नहीं होगा, उनकी हैंड होल्डिंग करना आवश्यक है। उन्हें किन किन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ उनकी बातें कहाँ अटक रही हैं, कहाँ सरकार में अटक रही है, कहाँ पॉलिटिकल लेवल पे दिक्कत आ रही है, कई बार जिले स्तर तक भी उनकी बात नहीं पहुंच पाती है, तो उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें 100 CM फेलोज का चुनाव करना चाहिए जो हमारा आंख कान नाक बन करके, हाथ पैर बन करके वहां काम करेंगे, उनको भी बल देंगे और साथ में सरकार के साथ वो कांटेक्ट में भी रहेंगे। तो उसी भावना के तहत हमारे नगर विकास विभाग ने एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस करके लगभग 1,00,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस मंगा करके उनमें से 100 बच्चे बच्चियों को चिन्हित किया है, उनको सिलेक्ट किया है। आज उनका ट्रेनिंग का काम शुरू हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में उनको अच्छे से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी हमें क्या उम्मीद है उनसे, क्या उनसे अपेक्षित है, उसके बाद उनको उन निकायों में भेजा जाएगा, वो वहीं रहेंगे और जिले से लेकर के उस निकाय तक के बीच जो भी करना अपेक्षित होगा वो करेंगे और करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिन जगहों को चिन्हित किया गया है उनकी क्या मानक है? उनकी लिस्ट भी अपने पास है, आपको लिस्ट नहीं, क्या मानक, किन मानकों के आपको डिटेल्स उसके अगर चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से जो मानक हैं वो ये हैं कि कहीं हेल्थ इंडिकेटर्स में उनकी कमी है, कहीं एजुकेशन में के इंडिकेटर्स में वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो नगर विकास विभाग का काम नहीं है, लेकिन फिर भी उस निकाय को ऊपर लाने में, उसको एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल बनाने में उनका बहुत योगदान होता है। उसी प्रकार कहीं लाइट नहीं लगी है तो कहीं पानी पीने की दिक्कतें हैं, कहीं नालियां साफ नहीं हैं, गलियां साफ नहीं हैं, कहीं लोगों को मकान नहीं मिल पाए हैं, इस तरह की तमाम लगभग 32 इंडिकेटर्स पे उनका मूल्यांकन तो और भी ज्यादा इंडिकेटर्स पे किया गया, लेकिन जो इंटरवेंशन हमारे होने हैं वो 30-32 इंडिकेटर्स पे होने वाले, उसमें भी जैसा मैंने अपनी बात में कहा उसमें भी क्या प्राथमिकताएं हमारी होंगी, पहले हम क्या कर देना चाहिए या हम क्या जल्दी कर सकते हैं, कैसे हम अचीव कर सकते हैं अपने उद्देश्य को, ये सारी बातें आज ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है उसमें CM फेलोज को समझाई जाएंगी। मैं आशा रखता हूँ कि उसके बाद वो जाएंगे और उन निकायों में उनका बहुत महती योगदान होगा। अंतिम सवाल है सर, अभी आप संबोधन में जिस तरीके से CM फॉलोअर से बात कर रहे थे तो उनका लोकल बॉडीज से कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा? लोकल बॉडीज से यही हमने समझाया कि लोकल बॉडीज के पास जा करके उनकी उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सभासद हैं, उनके जो शासनाधिकारी हैं उनके साथ आप बैठिए, उनको कहीं ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मानवीय समस्याएं होती हैं, कई बार उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप ऊपर से थोपे गए हैं, ऐसी बातें आती हैं, तो यही हमारे समझाने का आशय था कि आप बैलेंस बना करके कुछ, उनकी नॉलेज भी अच्छी होती है, कर नहीं पाते हैं बात अलग है लेकिन नॉलेज अच्छा होता है उनका, उन सबका सामंजस्य करते हुए हमारे जो फेलोज हैं वो अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे मंत्री जी का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार जो इंस्पिरेशनल सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनको आगे बढ़ाए जाने का काम जिस तरीके से बड़े स्तर पर किया जा रहा है उसी क्रम में अब CM अर्बन फॉलोअर्स हैं जो अलग अलग सिटीज में अलग अलग टाउन्स में जाएंगे और पूरी तरीके से उन जगहों को विकसित करने का काम बड़े स्तर पर करेंगे।
कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।